Bismillahir Rahmanir Rahim. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sallim taslima. Assalamu alaikum. Aaj ka jo hamara topic hai ya jo hum issue ko solve karne ja rahe hain wo ye hai, jab local host ko run kiya jaye, local host ke andar php my admin ko click kare to ye issue aa jaye. 403 forbidden title के अंदर हो और ये वाला title हो forbidden you do not have permission to access php my admin on this server. तो आपने इस मसले को solve कैसे करना है, simply से minimize कर दें, my computer को खोलें, my computer के अंदर c drive को खोलें, c drive के अंदर wamp को खोलें, alias को खोलें, php my admin को खोलें. अब ये मसला यहाँ पे solved है, आपने इसे गौर से study करना है तो ये solved है. बहरहाल आपने क्या करना है, ये यहाँ जो लिखा हुआ है order deny allow, आपने simply order deny allow की जगह इसको copy करें, यहाँ पर इसको paste कर दें और फिर नेक्स्ट लाइन को आप कॉपी करें और इन दोनों की जगह इसे आप सेव कर पेस्ट कर दें. फिर आप फाइल में जाकर इसको सेव कर दें, इसे मिनिमाइज करें, इसे क्लोज कर दें. आपका जो वैम्प सर्वर है इसको, इसके अंदर जो रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज हैं इसको क्लिक कर दें, अपना ब्राउज़र खोलें, बैक जाएं, इसे रिफ्रेश कर दें, इसे आप दोबारा पीएचपी माई एडमिन को क्लिक करें. तो इस तरह ये हमारा मसला सॉल्व हो गया. जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़.